प्रशासन से साहब हम इतनी कहा, इतनी दौड़ा चकिया चंदौली और कमिश्नरी में कि कोई आज तक कमिश्नर का कागज भी नहीं पढ़ा। अच्छा, इतना कोई कार्ड बनवाने खातिर कितना कितना उपाय किए है, जाओ वहाँ दस्तखत कराओ तो वहाँ कराओ तो वहाँ कराओ। यही तो गरीबों में बहुत गरीब पड़े हैं साहब हमारे देहात में, कि जो झोपड़ी लगा कर रहते हैं, पानी चूता है, मगर कोई प्रशासन देखती नहीं है पैसे के आगे। क्या है मंगल भवन मंगलहारी धरोहर दर्शन। अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज, इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में। आज हमारे बीच बाबा हैं जो नागा साधु हैं। नागा साधु का जीवन कैसा होता है, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आप फक्कड़ बाबा हैं जी, तो आप तो मतलब कितने सालों से संन्यास ले लिया आपने? हम तो देखिए वो समय तो अवघड़ी पंच में थे जी, 10-15 साल अवघड़ी पंच में थे जी। तो हमारे गुरु जी मिले तो कुछ शिक्षा के लिए दूसरे पंच में ले गए, तो पंच से मैं जोड़ करके अपना भ्रमण करता हूँ। तो मतलब जो काशी की घाट है वहाँ पे आप मतलब भ्रमण करते हैं आसपास? ये नहीं, कोई ठीक नहीं है कि मैं कहाँ तक भ्रमण करता हूँ, ये कोई मतलब तुक नहीं है कि ये मशीन जो है कहाँ तक ले जाती है, कोई ठीक नहीं है। कब मतलब बनारस, कब गाजीपुर, कब बलिया, कहाँ आप चले जाएं, कोई सही कोई कोई सही नहीं है। जहाँ का मतलब कि भगवान ने लिख दिया कि हाँ चलो यहाँ जाना है जी, तो वहाँ भ्रमण में जो है चल देते हैं। तो भ्रमण में आप कैसे रहना होता होगा, मतलब कैसे जैसे बैठे हैं, किसी से तो मांगना चांगना रहता नहीं है और ईश्वर सेवा रहता है मेरा, ईश्वर सेवा से बढ़ करके भूख प्यास हमको नहीं लगती है। कितने साल की उम्र में मतलब आपने घर बार छोड़? हमने देखिए घर बार तो सरकार मैंने छोड़े नहीं है, क्योंकि 1 महीना 2 महीना 4 महीना पर मैं जाता हूँ अपने घर पर, देखता हूँ कि हाँ हमारा इमारत जो है पड़ा है, फिर देख करके अपना चला जाता हूँ। तो आपने शादी उदी किया कि नहीं? सब कुछ हुआ था सरकार, मगर कोई जानता है कि आगे चलने पर भगवान ने क्या करेंगे। आपके बच्चे भी हैं? बस साहब एक लड़की थी, उसकी भी शादी हुई थी अपने। हाँ हो गया साहब, कम से कम तो 22 साल हो गया, 25 साल। अच्छा, तो कैसे मन में आया कि मतलब आप साधु बनेंगे? मन में आ गया इसी तरह मशान पर बैठते बैठते मुर्दा देखते देखते कैसे जल रहे हैं और कैसा विचार उनके, वो कैसे जल रहे हैं। वो जो छन्नु महाराज थे बहुत पुराने थे, तो हम लोग आ करके मनकनका घाट पर हर मंगल के और हर शनिचर के हम लोग थोड़ा अपना साधना करते थे अवघड़ी पंथ में। तो अब मतलब आप नागा साधु बनने जा रहे हैं? जी बन चुके हैं, अभी भ्रमण में हैं जी। तो ये भ्रमण कितने दिनों तक चलेगा? ये हमारा साहब गुरु जी कहे 12 साल चलना चाहिए, मगर मैं 18 साल का निमट लिया। अच्छा, तो मतलब अब क्या देख रहे हैं, काशी में बहुत ही बदलाव हो गया है? काशी में तो सरकार और मोदी और योगी बहुत बदलाव किए हैं, इतना बदलाव किए हैं कि कोई सरकार अभी आज तक नहीं किया जी। समझ गए कि नहीं, बहुत सरकार आए, बहुत सरकार मतलब बहुत बहुत मतलब। अब जैसे हम ही हैं, हमारे साथ कितनी घटनाएं हो रही है, सरकार नहीं सुन रही है। सरकार जो है चाहे कमिश्नर हो चाहे डीएम हो चाहे कोई भी, सरकार मेरी बात को सुनता नहीं। अच्छा, प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा? नहीं सुनता है भाई, हमको 10 साल से राशन भी नहीं मिल रहा है। मैंने ऑनलाइन भी किया कि भाई हमको 10 साल से राशन भी नहीं मिलता है, हम लोग 2 प्राणी हैं, कैसे खर्चा चलेगा, न कोई घर द्वार कायदे का है, न बर बगीचा जो है दबंग पाल्टी ले लिए सरकार, अब क्या करेंगे। अच्छा, तो बाबाओं का भी खेत होते हैं, दबंग लोग ले लेते हैं? आप दादा का भूमि है तो साहब वो तो कुछ जरूर आप ही छोड़ देंगे। अब आपसे बताए ना कि जाता हूँ 1 महीना 2 महीना पर देख कर चला जाता हूँ, देखते हैं दूसरा रोकता है खाता है पीता है, हमको तो 10 साल से राशन भी नहीं मिलता है, बताइए जीवन हमारा कैसे चलता है। प्रशासन से कहते हैं नहीं कुछ? प्रशासन से साहब हम इतनी कहा, इतनी दौड़ा चकिया चंदौली और कमिश्नरी में कि कोई आज तक कमिश्नर का कागज भी नहीं पढ़ा। अच्छा, इतना हमें तो लग रहा है कि बहुत ही बदलाव हो गया, बाबाओं के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं होती है वो उपलब्ध कराई जा रही है। अरे उपलब्ध साहब हो जाए तो आपके सरकार मिल गए तो अच्छी बात है। अब कह रहे हैं ना कि जो परेशानी चल रहे बैठे हैं, क्या बैठे हैं भगवान के भरोसे।
कितने दिनों से आप यहाँ पे अभी यहाँ पर साहब मैं 45 साल से हूँ। 45 साल से जी मतलब यही जो घाट पे आते हैं आपसे आशीर्वाद लोग लेते हैं। जी आशीर्वाद तो आपके दुआ से पूरा काशी है महान काशी है। तो थोड़ा हम रहते थे चौका घाट में अपना जूना अखाड़े का मंदिर है वहाँ पर भयंकर गिरी गुरु थे जो हमको अच्छा रास्ते पर ले जा करके है मतलब हर रास्ता बढ़िया है कोई खराब तो है नहीं सरकार चाहे जिसमें आप रम जाइए। तो यही हाल चल रही है बाबों के पास बैठते हैं कि हे भगवान अपना कुटिया बना लें मगर सरकार नहीं बनाने देती है जो कि अपना बगीचा है अपना सब कुछ है। कहाँ के ही आप रहने वाले हैं? रहते हैं साहब चकिया चंदौली थाना साहबगंज गांव अमाव पड़ता है। तो आप चंदौली के ही रहने वाले हैं? तो आपकी पत्नी कहाँ है? ओ हाँ साहब अपने लड़की की यहाँ है। लड़की के आप मतलब संन्यास ले लिए मतलब तो क्या करेंगे सरकार अब जब हमारे पास कोई राशन भी नहीं मिलता है न कोई कार्ड बनवाने खातिर कितना कितना उपाय किए है जाओ वहाँ दस्तखत कराओ तो वहाँ कराओ तो वहाँ कराओ यही तो गरीबों में बहुत गरीब पड़े हैं साहब हमारे देहात में कि जो झोपड़ी लगा कर रहते हैं पानी चूता है मगर कोई प्रशासन देखती नहीं है पैसे के आगे क्या है मंगल भवन मंगलहारी धरोहर सज बिहारी पैसा बाबा इतना दे तो तुम्हारा मैं खेत का इन्वाइंट करेंगे तब आपको 2000 मिलेगा वो भी ले गया नहीं दिया। अच्छा वो भी नहीं मिला। अरे साहब हम क्या करें नेपाल जो है आधार उधर है आपका आधार तो है साहब मगर इस समय तो नहीं है सरकार छोड़ो सिलेंडर सिलेंडर महंगा गरीब लोग नहीं ले पावा तो अगर लेकर क्या करिए मगर मिलता नहीं है निचले स्तर पे जो लोग हैं उनको वहाँ तक योजना नहीं 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 जाता है। अब हम कह रहे हैं कि 10 साल से मेरे कोटेदार से कहा भैया मुकुट का राशन मिलता है तो हमको दोगे नहीं बाबा नहीं मिलेगा क्या मेरा वोट लिस्ट में नाम नहीं है मेरे बाल बच्चों का नाम नहीं है बाप दादा आजा का नाम भी नहीं है हमारे पास बड़ बगीचा है सब कुछ है मगर तुम अपना लिए क्या कि तुम्हारे पास पैसा है। तो आप जब संन्यास ले लिए आप घर द्वार छोड़ के मतलब भगवान की आस्था में लीन हो गए तो उसके बाद सब हड़प लिए आपका? हाँ हड़प लिए अब सोच रहे हैं कि कुटिया बनवा लें वो भी नहीं बनाने देते हैं अब वही फिर हाल एक महीना हुआ जमीन समीन नेपाल सरपाल सब उल्टा सीधा लिख दिया भाई बाबा तो पैसा देंगे नहीं घूस। अरे भाई वो तो दे दिया 43,000 हम कहाँ से पाएंगे तुमको कि 10-50 हज़ार देंगे 50,000 देंगे तब भी तो पदवी होगी मगर यहाँ तो बाबा दस्तखत करो हम कि ले लो दस्तखत बच्चा क्या लिए हो अब फिर हम कमिश्नरी में जाएंगे अभी तो शांति से अब क्या करेंगे सरकार। ज़रूर अगर देखिए बाबा न्याय पाने के लिए तमाम जो सरकार और प्रशासन तक जाएंगे इनका कहना है। आज हमारे बीच बाबा थे जिन्होंने बताया उनके जीवन कैसा होता है वो अपना घर द्वार छोड़ के एक ईश्वर की आस्था में कैसे लीन हो जाते हैं हमने मिला है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे धन्यवाद।